मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम ई ग्राम स्वराज में जो वेंडर क्रिएट करते हैं उसके रजिस्ट्रेशन स्टेटस को चेक करना सीखेंगे। इसके लिए आप क्रोम ब्राउज़र पे ई ग्राम स्वराज टाइप करेंगे और ई ग्राम स्वराज की साइट को ओपन करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और रिपोर्ट वाले सेक्शन पर अकाउंटिंग्स में क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट में हम PFMS इंटीग्रेशन रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे और इसमें दिए गए वेंडर रजिस्ट्रेशन एंड स्टेटस रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे और स्टेट, और यदि आप वेंडर रजिस्ट्रेशन जिला परिषद की या ब्लॉक की या ग्राम पंचायत जिस किसी की भी वेंडर रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं उसे चेक करेंगे। हम यहाँ ग्राम पंचायत के वेंडर के स्टेटस को चेक करेंगे, इसलिए हम विलेज पंचायत पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दिए गए कैप्चा को एंटर करेंगे और व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यदि रिपोर्ट शो ना हो तो हम दोबारा से कैप्चा को रिफ्रेश करेंगे और नए कैप्चा को एंटर करेंगे। उसके बाद उस स्टेट की डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट यहाँ शो होगी। यहाँ पर हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक, और ब्लॉक में हम सभी पंचायतों के यहाँ टोटल नंबर ऑफ वेंडर और टोटल नंबर ऑफ वेंडर अप्रूव्ड और पेंडिंग और रिजेक्टेड वेंडर की रिपोर्ट यहाँ शो होगी। यहाँ पर हम किसी भी ग्राम पंचायत में आगे दिए गए वेंडर इनिशिएटेड पर क्लिक करेंगे और जो भी उस ग्राम पंचायत में वेंडर है उनकी लिस्ट ओपन होगी और इसके सामने ही इसका वेंडर टाइप एजेंसी या सिटीज़न होगा और आगे इसका स्टेटस एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड दिया होगा। इस तरह से हम अपनी ग्राम पंचायतों की वेंडर लिस्ट का स्टेटस यहां से चेक कर पाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।